बहुत अच्छी राइड की। All right, तो हम लोगों ने छोटी सी मीटिंग की है। मीटिंग के में ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं मस्कोका, और मैं कहना बहुत मज़ा आ रहा है। क्या खूबसूरत मौसम है और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने एक और उससे बेहतर कर दे दिया प्लाइनबर्ग में। क्या बात है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और वीडियो बनाते हैं इसकी। सूरत लग रहा है वैसे। सबसे आगे हमारे दो मिस्ट्री राइडर हैं और उनसे पीछे जो है वो तारिक साहब हैं। बसंती तेरा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरी एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज का मौसम, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है, ज़बरदस्त टेम्परेचर है। इट्स एन आइडियल वेदर फॉर माई बसंती, मेरी बसंती के साथ मुझे इंजॉय करने का मौका मिल रहा है आज एक बार फिर। तो प्लान यही है कि आज हम लोग करेंगे ग्रुप राइड दोस्तों के साथ। अभी एक मीटअप पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ से और भी दोस्त होंगे, शायद दो शायद तीन, लेकिन अभी तक दो कन्फर्मेशन हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग आज लंबी राइड के प्रोग्राम में हैं। शायद तकरीबन कोई दिन में 3 घंटे 4 घंटे हमें मिलेंगे राइड के। तो बस बसंती रेडी है, लश लश कर रही है, बड़ी हैप्पी है क्योंकि अभी उसकी खिदमत हुई है, इसको साफ़ किया है और बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए। और बस अभी इसके साथ जाके हम लोगों ने करना है भरपूर दिन को इंजॉय। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करेंगे। मैं आज मोटो व्लॉग भी करूँगा और आप लोगों को थोड़े से नज़ारे भी दिखाऊँगा टोरंटो के इर्द गिर्द के, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें, और वीडियो को लाइक आप बाद में बेशक कर लें, पहले वीडियो पूरी देख लें। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल सेट। मैंने माइक वगैरह सेट कर लिया है मोटो व्लॉग के लिए। आई होप कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आएगी, तो ये तो बाद में पता चलेगा जब मैं इसको देखूँगा। तो निकलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चल बसंती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये वाला वेदर रहे, हल्के हल्के बादल आएँ, ज़्यादा धूप जो है ना वो भी अच्छी नहीं लगती है बाइक चलाते वक्त, लेकिन जैसे इस वक्त है हल्के से बादल आए हुए हैं और बहुत प्यारा मौसम है। बस अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे भाई, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी है होना तो वही है। सबसे पहले हम मीटअप डेस्टिनेशन पर जाएँगे, टिम हॉर्टन जो घर के पास है, वहाँ पे दोस्तों से मिलेंगे और फिर अपनी राइड प्लान करेंगे कि जाना कहाँ पे है, क्योंकि अभी हमने राइड प्लान नहीं की है, बस हमने मीटअप रखा था और वहाँ पे छोटी सी मीटिंग करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि कौन सी डेस्टिनेशन है। आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत मौसम है, मेरे दाएं बाएं दोनों तरफ सब्ज़ा हरियाली, जैसे मैंने बताया पहली वीडियो में भी कि आजकल जो समर है वो बिल्कुल अपने भरपूर जोबन पे है। और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है ये जो नॉर्थ साइड पे जाने का, घूमने फिरने का, एंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है। कुदरत के हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं भाई, इससे ज़्यादा और हमारी खुशकिस्मती क्या होगी।
कि अल्लाह ताला हमें ये सब कुछ देखना नसीब कर रहा है। तो ले जनाब, ये आ गया है हमारा मीटअप पॉइंट, जहाँ पे हमने 10 बजे का टाइम रखा था और इस वक्त टाइम हुआ है 9:58। तो आई एम ऑन टाइम, बल्कि 2 मिनट पहले पहुँच गया हूँ। तो टाइम की पाबंदी तो बहुत ज़रूरी है ना, और मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूँ, बता सकूँ, अगर वो मुझे कहें कि भाई तुम लेट हो। तो ये तो आई एम द नंबर वन यहाँ पे, और कोई नहीं पहुँचा है अभी। तो चलें, अच्छा हो गया कि मैं पहले आ गया हूँ, और अब मैं उनका वेट करूँगा थोड़ा। क्या बात है जी, ये मेरे दोस्त तारिक साहब जो है वो भी पहुँच गए हैं ऑन टाइम। हाँ, वेरी गुड। सलामकुम तारिक साहब, क्या रही है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। रेडी हैं जी आज लंबी राइड के लिए? आज लंबी राइड जी, आपने ना बैक रेस्ट भी लगा लिया है, बड़े सियाने हो तुम माशाल्लाह। हुण तुम इंजॉय करोगे बैक रेस्ट लगा के ना, तो इन्होंने कहा है कि मैं लंबी राइड को एंजॉय करूंगा। आज हमारा प्लान ये है कि शायद कोई टोटल कोई 3 घंटे की राइड तो बन ही जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह। तो अल्लाह खैर करे, खैर खरीत से जाएं और एंजॉय करें। हमारे जो तीसरे बाइक राइडर हैं वो भी आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, और वो थोड़े से कैमरा शाय हैं, तो उनको कैमरे में नहीं लेंगे। हाँ, उनकी बाइक को ले लेंगे, उनको राइड करते हुए दिखाएँगे। और तो हम लोगों ने छोटी सी मीटिंग की है, मीटिंग के में ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं मस्कोका। मस्कोका यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है हमारे एरिया से, वान से। तो आज वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे मौसम को और राइड को और फिर उस एरिया को इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त आगे तारिक साहब हैं, और उनके आगे हमारे तीसरे दोस्त हैं जो हमारे साथ राइड कर रहे हैं। हम लोग टोटल 3 हैं इस वक्त, इंशाल्लाह खैर से जाएंगे। और गर्मी की ये सूरत हाल है कि टेम्परेचर जो है वो ये बता रहा है कि तकरीबन 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है आज। तो ये बाइक के लिए तो आइडियल है, बेहतरीन मौसम है। डिसाइड हम लोगों ने ये किया है कि हाईवे पे जाएंगे, लेकिन जितना हम लोग जो कंट्री साइड रोड्स हैं उन पे हम अगर जा सकते हैं तो वो हम ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि हाईवे की जो राइड है उस पे थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का मज़ा आता है राइड का, क्योंकि वो तो एक स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे हम लोग जाते जाते हैं, कोई उसमें नज़ारे उस तरह से नहीं होते हैं। लेकिन ये जो साइड रोड्स हैं इसमें जो है वो हमें काफ़ी अच्छे खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो ये हमने डिसाइड किया है। तो इसलिए हम इस वक्त हैं वेस्टर्न रोड पर, और मैं कहना बहुत मज़ा आ रहा है। क्या खूबसूरत मौसम है और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। वेस्टर्न रोड का जो ये स्ट्रेच है छोटा सा, जो किंग रोड से पहले आता है, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो थोड़ी सी हिल्स सी हैं ऊपर नीचे, रोड जो है वो बड़ी खूबसूरत लगती है, जैसा कि ये सामने आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ वेरी नाइस। ये जो छोटा सा एरिया है इसका नाम है लस्के। लस्के में बड़े प्यारे घर भी हैं, बड़े खूबसूरत। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे घर देख रहा था अपने लिए, तो बहरहाल फिर ये वाला घर जो है वो डिसाइड नहीं हुआ, और अल्लाह ताला ने एक और उससे बेहतर घर दे दिया प्लाइनबर्ग में, जहाँ पे इस वक्त मैं रह रहा हूँ। माशाल्लाह, ये चेक करें ज़रा कैसे सीधा रोड है, और दरख्तों के दरमियान एक जैसे हम लोग जैसे एक सुरंग में जा रहे हैं दरख्तों की। माशाल्लाह, लुकिंग सो गॉर्जियस।
बहुत प्यारा लग रहा है। और ये मेरे राइट पे जो है वो एक छोटा सा लेक पॉइंट है, जिसमें छोटी छोटी बोट्स जो है वो भी इंजॉय करते हैं लोग। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने किसी बड़े परेशानी से बचाया है। एक छोटा सा इंसिडेंट था, गैस ख़त्म हुई थी, वो डाली है और फिर से हम सफ़र पर रवाना हो गए हैं। खूबसूरत मौसम, खूबसूरत नज़ारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं हाईवे 400, लेकिन जो हालात लग रहे हैं वो बड़े ख़राब लग रहे हैं। अभी हाईवे पे एंट्री हो रही है और ट्रैफिक जो है वो फुल जैम है। उसकी एक और वजह ये है कि ये लॉन्ग वीकेंड है हमारे पास, सिविक हॉलीडे है मंडे का, तो लोग जो है वो हम इस वक्त जा रहे हैं नॉर्थ साइड पे, और नॉर्थ साइड पे लोग जाते हैं कैंपिंग पे, अपने कॉटेजेस हैं लोगों के, वो दो दिन के लिए तीन दिन के लिए वो इंजॉय करने जाते हैं। तो पाजी पंगा ही पंगा है, ट्रैफिक बड़ी है, दूर दूर तक मुझे लाल बत्तियाँ नज़र आ रही हैं गाड़ियों की। बस अल्लाह ही खैर करे, लगता है हमारी 1.5 घंटे की राइड जो है ना वो 2.5 घंटे की होने वाली है। हाईवे का सफ़र शुरू हो चुका है और मेरे राइट पे ये है हॉलैंड मार्श। यहाँ की जो मिट्टी है वो ब्लैक कलर की मिट्टी है और बहुत ही ज़रखेज़ मिट्टी है। यहाँ पे किसी ज़माने में हॉलैंड से लोग आए थे और उन्होंने आके इस जगह को बसाया था और इसका नाम हॉलैंड मार्श रख दिया था। अभी ये शायद आपको यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा हो, जो कलर है मिट्टी का वो ब्लैक कलर का है, आम जैसे मिट्टी होती है थोड़ी सी ब्राउनिश ब्राउनिश, लेकिन यहाँ की प्योर ब्लैक कलर की है और बहुत ज़रखेज़ है। इसी वजह से यहाँ पे ये सारा एरिया खेती बाड़ी के लिए मखसूस है। यहाँ पे सिर्फ फार्मर्स के घर हैं और सब्जियाँ और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे, जैसे ये मेरे राइट पे फार्मिंग हो रही है, ये 3-4 महीने 5 महीने बल्कि यहाँ तो सारा साल होती रहती है। इन्होंने ग्रीन हाउसेस बनाए हुए हैं, वो मेरे राइट पे जो ग्रीन हाउस नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, यहाँ पे उसे ग्रीन हाउस बोलते हैं, टेंट लगा के मार्की लगा के तो उसके अंदर ये फार्मिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खिलाफे तवक्को जो है वो ट्रैफिक बहुत अच्छी मिल रही है, और वो सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेच था जहाँ से एंट्री थी, उसके बाद अभी जो स्पीड है वो 120-110 इतनी मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड। बहुत मज़ा आ रहा है और हाईवे की अपनी एक राइड का मज़ा है, इस पे जो फ्रेश एयर मिल रही होती है सामने से पड़ रही है। इस वक्त मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 120 किलोमीटर पर आवर है, तो इट्स वेरी गुड। क्या बात है जी, क्या बात है, मज़े आ रहे हैं, मज़े मज़े मज़े, शुक्र है अल्लाह का। हे हे मुझे पता है मेरे दोस्त तारिक साहब जो है वो इस वक्त भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। लास्ट ईयर इन्हें मैंने कह कह के लाइसेंस दिलवाया था और ये बाइक जो है वो इनको लेके दी थी। ये बाइक एक्चुअली मेरी पुरानी बाइक है जो मेरे पास पहले हुआ करती थी, ये होंडा A750 है, तो ये इसको भरपूर इंजॉय कर रहे हैं आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि इस साल इन्होंने प्रॉपर राइड की है। पिछले साल तक तो वो बिगिनर थे, तो अभी ये हाईवे पर राइड कर रहे हैं और खूब मज़े कर रहे हैं, आई एम हैप्पी फॉर हिम। और जो हमारे तीसरे साथी हैं जो आगे हैं वो तो बहुत पुराने राइडर हैं और बड़े अच्छे राइडर हैं माशाल्लाह, और बड़ा मज़ा आता है इनके साथ, इनकी कंपनी, इनकी बातें, उसको हम भरपूर इंजॉय करते हैं। ही इज़ सो रिस्पेक्टेबल टू अस माशाल्लाह, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आई विश के वो कैमरा शायद ना होते तो आपकी मुलाकात भी उनसे करवाता मैं, और जैसे हम खुश होते हैं इनकी बातें सुन के उनकी पर्सनैलिटी से, इस तरह आप भी होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना उनके बारे में आपको। मैं साथ साथ अपने दोस्त तारिक को धक्का लगा रहा हूँ ताकि वो आगे चलते जाएं। इनको धक्का लगाना पड़ता है थोड़ा सा। मैं कहना
बाबा जी बहुत ही चस वाली राइड हो गई है बहुत मज़ा आया है। और अब जो है वो हम लोग तकरीबन बैरी के पास पहुंचे हैं और यहाँ पे हम लोग ऑन रूट पे टिम हॉर्टन्स है वहाँ पे चलते हैं और कॉफ़ी शॉफ़ी लेते हैं, कोई नाश्ता वाश्ता करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। बहुत मज़े की राइड हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बसंती ने मौजें करा दी हैं। बसंती तेरा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आ रहा है। ऑन रोड पे भी बहुत रश है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पार्किंग मिलना मुश्किल हुई हुई है, लेकिन बहुत मज़ा आया। चल अब कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। टिम हॉर्टन पे भी बड़ी अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। तो जी तारी साहब कैसा मज़ा आ गया राइड का, एंजॉय किया? मैं आपको पीछे से धक्का लगा रहा था, आपको पता है मैं पूरी रिकॉर्डिंग की है लेकिन आपने बहुत अच्छी राइड की। मैं कह भी रहा था कि साहब मुझे लग रहा है भरपूर इन्जॉय कर रहे हैं वेरी गुड, ये भी यहाँ पे बस काफ़ी इन्जॉय करते हैं। You don't want to be in video? Yeah, I was in it. If you watch it, you'll see me. Oh, you were in? Yeah, I was in it. If you watch it, you'll see me. Full rush है इस वक्त ना, पार्किंग की जगह भी नहीं है, इतना रौनक हुई हुई है। क्योंकि वही बात है कि लॉन्ग वीकेंड, समर और सारी चीज़ें सूटेबल है, वेदर। गुड न्यूज़ ये है कि हमारे एक और भाई जो है वो हमें रास्ते में ज्वाइन कर रहे हैं। हम इस वक्त बैरी में खड़े हैं और यहाँ पे करीब ही वो रहते थे, उन्हें कॉल किया और वो भी फिल्म दी रेडी हो गए हैं, वेरी गुड। तो बस अभी उन्हें ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर बाद, तो उनको ले कर आगे चलते हैं। चलो चले तारिक साहब, रेडी हैं? चलो जी गुड। ये आ रहे हैं जी हमारे चौथे राइडर, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। के हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं मस्कोका ग्रेवनहर्स्ट और यहाँ का व्यू भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। वाह जी वाह, क्या बात है, लेक के किनारे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये है जी हमारी बाइक्स। हमारे पास इस वक्त दो मिस्ट्री राइडर्स हैं जिनका जिक्र जो है वो हो सकता है लेकिन उनके चेहरे सामने नहीं आ सकते, तो इसलिए मैं उनको नहीं दिखाऊंगा लेकिन उनकी बाइक्स दिखाऊंगा आपको। इस वक्त हम तकरीबन 2 घंटे की राइड कर चुके हैं घर से लेके अब तक, तो ये तकरीबन 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर राइड हुई है लेकिन कमाल आसम चस आ गई। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत जगह है ये, ज़बरदस्त। ये डॉक बना हुआ है बोट्स के लिए, डॉक ऑफ द बे, क्या बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और वीडियो बनाते हैं, इसकी खूबसूरत लग रहा है वैसे। इतनी कंफर्टेबल हवा है, बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस, लवली लवली लवली। लो जी ये बोट पे रेडी होके एक फैमिली यहाँ से अभी निकली है और अब ये कोई 2-3 घंटे लेक में एंजॉय करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी लेक है, ये तो अभी एक छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है लेकिन बिग ह्यूज लेक। इधर से निकल के आगे ओपन एरिया आ जाता है और फिर उसकी दूसरी साइड नज़र नहीं आती है, इतनी बड़ी ये लेक है।
स्वीट स्वीट, क्या बात है जी, क्या बात है। बस अब चलते हैं अंदर, अब लंच करते हैं। यहाँ पे फिश एंड चिप्स सुना है कि बड़े मज़े के होते हैं, तो वो थोड़ा से एंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ। बैकग्राउंड साढ़े उधर देखो, चेक करो, वेरी नाइस, खूबसूरत लग रहा है। बहुत खूबसूरत मौसम और खाने का भी मज़ा आया। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, इट्स ऑलरेडी 2:30, दोपहर के 2:30 बज गए हैं, तो अभी 2 घंटे की राइड करके हम लोग घर वापस पहुँचेंगे। तो बस निकलते हैं बिस्मिल्लाह करके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक बार फिर हम लोग रेडी हैं राइड के लिए। मेरी बसंती, प्यारी बसंती, ले चल मुझे, चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, 4 राइडर आए थे रास्ते में, बेरी में जो हमारे 4th राइडर हमारे साथ शामिल हुए थे, उनका घर बेरी में है। वो यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की राइड पे है, और बेरी से आगे 1 घंटे की राइड है हमारे घर की। तो मज़ा आया, बहरहाल शुक्र अल्लाह का। सबसे आगे हमारे 2 मिस्ट्री राइडर हैं और उनसे पीछे जो है वो तारिक साहब हैं। अब हमारी शुरू हो जाएगी हाईवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह खैर ते बड़े पार। अभी हम लोग वापसी के रास्ते पे हैं और बेरी रुके हैं। बेरी में ये मोटन है हमारे पास, यहाँ पे ब्रेक होगी और उसके बाद फिर बाकी का सफ़र होगा। यहाँ से हमारे जो 4th राइडर हमारे साथ शामिल हुए थे वो अपने घर चले जाएंगे, और हम लोग अभी 1 घंटे की राइड है, बहुत मज़े की राइड है, ज़बरदस्त मज़ा आया। और सूरज भी जो है ना वो इस वक्त पूरी अपनी तपिश पे है, लेकिन बड़ा कम्फर्टेबल टेम्परेचर है। 32 तो 32 इज हॉट, लेकिन बाइक पे तो वैसे भी पता नहीं लगता। चलो आओ कॉफ़ी इंजॉय करिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ख़ास फजलो करम से तकरीबन 5 घंटे की बेहतरीन राइड, आउट क्लास वेदर, फूड बहुत अच्छा था, डेस्टिनेशन इतनी खूबसूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच गया हूँ, शुक्र है अल्लाह का। एंड क्रेडिट गोज़ टू माई बसंती, लव यू बसंती। मेरे नेबर में भी कोई पार्टी चल रही है और वो उनकी आवाज़ें आ रही हैं, बारबेक्यू पार्टी, खुशबुएं आ रही हैं। जारी बात है मौसम ही ऐसा है, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो खैर, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने भी मेरे साथ इंजॉय किया होगा वेदर को। मैंने कोशिश तो की है आपको दिखाने की, तो बहरहाल अल्लाह करे कि आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी कर लें। एक नई वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा।
अपनी ख़ास दुआओं में खाकसार को याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान।